अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा। आज जो हमने झटपट रेसिपी तैयार की है वो है आलू की बिरयानी और बहुत ही टेस्टी है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया है देगची में और उसमें मैं एक बड़े साइज़ की प्याज जो है उसको काट कर मैंने डाल दिया है। इसको हल्का सा करेंगे ब्राउन और ब्राउन करने के बाद जो इसमें मसाले जा रहे हैं वो है लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गर्म मसाला, जायफल, जावित्री और दालचीनी, लौंग। ये सब चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सब मिक्स करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें लिया है क्योंकि एक प्याज डली थी। इसको अच्छे तरीके से भूनना है और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबल स्पून होगा भर के। वो ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और आलू मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन 3 बड़े साइज़ के। और आलू डालने के बाद इसको अच्छे से जो है वो भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जिसके अंदर ये अच्छे से गल जाएं। नमक वगैरह सब आपने साथ में चेक कर लेना है कि इसके मसाले के अंदर नमक कितना होना चाहिए, जितना कि हम जब बिरयानी का मसाला चिकन या किसी भी गोश्त में तैयार करते हैं। यह ऐड कर लेने के बाद हम इसमें इसको जो है वो ढक देंगे और हल्की आंच पर इसको छोड़ेंगे जब तक इसके आलू गल ना जाएं। बट मेक श्योर कि इतने आलू ना गलें कि चावलों के साथ मिक्स हों तो टूट जाएँ। अच्छा, अब चावल मैंने अलहदे से जो है वो नमक डाल के बॉयल कर लिए थे। इसकी तह मैंने नीचे बिछाई है, उसके ऊपर आलू का ये सारा बैटर जो मसाला तैयार किया है वो डाला है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की लेयर मैंने इसके ऊपर बिछा दी है। वापस इसके ऊपर मैंने चावल डाले हैं और ऊपर जर्दे का रंग डाला है। यकीन मानिए झटपट तैयार होगी और बहुत ही लजीज़ बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको झटपट रेसिपी कैसी लगी और फुल घर के मसाले के साथ है। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।